गाइज नमस्कार, केंचो आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। गाइज अभी आप लोग थोड़ा सा मेरे हेयर को देख के समझ रहे होंगे कि हेयर ऑयलिंग की गई है। मनीषा ने ही किया है क्योंकि आज सिर बहुत दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। अब कर रहा था भाई, अब सिर दर्द से क्या पूछूं, पहले इनका डिम्पल देख लेते हैं। वैसे हो नहीं रहा है, 50 ग्राम का डिम्पल है, उसको 500 ग्राम का होता है, इसकी छोटी बहन का होता है निशा। बहुत ज्यादा डिम्पल। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, शाम के ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं वक्त। इस समय घड़ी में आप लोग देख सकते हैं, घड़ी का देखिए जगह कहाँ लगाया गया, और यहाँ पे माता रानी की पूजा वगैरह करके अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट। थोड़ा सा कुछ काम भी है और दूध लाने जा रहे हैं और भी कुछ सब्जी वगैरह भी। और मेरा ड्रेस पता नहीं सिलाया है, इसका ड्रेस भी स्टिच हो गया क्योंकि बिना ड्रेस के अलाउड नहीं है। तो खैर चलते हैं। अभी तो मेरा ऑक्सीजन चल रहा है क्योंकि मैं जा भी नहीं रही हूँ पढ़ने, और आज ही नहीं गई है बस, आज भी कल भी। कल तो तुमको ये कर दिया लोग, निकाल दिया लोग कि जाओ ड्रेस पहन के, वो रिपोर्ट लेके आओ कोरोना वाला। हाँ। तो कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी हो गया, तब तक मैं अपना ड्रेस भी सिलवा ली, तब तक इनका ड्रेस भी स्टिच हो गया। चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ का सिस्टम। लेट्स गो। सुन ले मेरी। गाइस मैं भी जा रही हूँ अभी बाहर, और मिस्टर राज हमेशा डोर लॉक करते हैं क्योंकि कार के चाबी में ही वो रखे हुए हैं डोर का, तो इसीलिए ये लॉक कर रहे हैं। और इनको देख सकते हैं जल्दी जल्दी फाइनली गाइस डन, डोर लॉक हो चुका है। और आज कार निकालने के लिए मेरे को ये गेट नहीं खोलना पड़ेगा क्योंकि गेट ऑलरेडी कार निकला हुआ है बाहर, और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, तो मेरे को भी मन कर रहा है मैं भी जाऊँ और खेलूँ थोड़ा सा। मिस्टर राज यहाँ का भी बंद कर रहे हैं, अब खुद ही वॉचमैन बन गए हैं, बहुत मेरे को वॉचमैन 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 बोलते थे। और मेरी कार यहाँ पे है, मैं जा रही हूँ अब कार में बैठने, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है, शाम भी हो चुका है। मुझे तो स्कूल का समझ में आता है, लेकिन मनीषा को घर में कहीं भी बाहर जाना है, मार्केट में भी ठंडा तो लग रहा है, लेकिन ये देखिए कॉलर का बटन का बंद है, ये पता नहीं कौन सा सिद्धांत है। मैं कॉलर का बटन हमेशा लगाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप क्या बोलने जा रहे थे? ये स्कूल वगैरह में हम लोग अपने डायरेक्टर सर से डर के वो कॉलर का बटन लगाते थे, लेकिन इनको तो घर में ही डर लगता है। नहीं यहाँ से एयर। और गाइस ये रोल गुल वाला पहनी हुई थी, रोल गुल। हाँ गाइस मेरा कान भी पक गया हुआ है क्योंकि मैं रोल गुल पहनती नहीं हूँ, सिर्फ गोल्ड का ही छोटा सा पहनती हूँ, और उसके बाद क्लास जाने के लिए थोड़ा सा और छोटा चाहिए मेरे को ईयरिंग, तो अभी था नहीं इसलिए मैं ये रोल गुल ले ली थी, आर्टिफिशियल रोल गोल्ड। हाँ लिखो फेको जैसे पेन होता है वैसे ही मैं ली थी, लेकिन वो दो ही दिन लगाने के बाद पक गया मेरा कान। सबको अपने कान में दिखाती हूँ, बहुत दर्द हो रहा था, ये मेरे कान में पता नहीं कैसे पक गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक तो नहीं है अभी। ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मेरे को रोड पे उस पार जाने नहीं दे रहा कोई। उस पार जाना है मिस्टर राज को, और ये सोच रहे हैं कि कैसे जाऊँ उस पार क्योंकि ये सामने बड़ा चक्का एकदम बड़ा सा सुनना मेरी सुनना सुनना ठिक्का गाइस। अब मैं आ चुकी हूँ जहाँ मेरा ड्रेस, मतलब अभी बुटीक पे आ चुकी है जहाँ मैं अपना ड्रेस दी हूँ। लेट्स सी इनका ड्रेस स्टिच हुआ है कि नहीं, उम्मीद है कि हो गया होगा। शायद टोपी निकाल के जाऊंगी, बोलेगा इसको जहाँ तो ज्यादा ठंडा लग रहा है, ये टोपी इतना बड़ा है। टोपी वैसे लगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस भैया भी आ गए हमारे टेलर वाले, और ये है वो टेलर का दुकान, तो हम लोग अब जा रहे हैं टेलर का दुकान बुटीक और टेलर का दुकान में बोले सॉरी। चलो चलो जा जल्दी लेकर के। गाइस मीन वाइल यहां पर अभी इनका ड्रेस हो गया है, लेकिन प्रेस हो रहा है, मैं ड्रेस यहां लेने के लिए आ गई हूं, तब तक 2 मिनट लगेंगे उसको आयरन करने में, तब तक मिस्टर राज जा रहे हैं और दूध लाने के लिए, और ये अभी जा रहे हैं दूध लाने, मेरा फोन वहां है, तो आप जाइए दूध लेके आइए, दूध सामने वाली दुकान से मिलेगा। पेमेंट करूंगा तो ना फोन। एक शॉप पे आ चुकी हूँ, और बहुत सारे कपड़े यहाँ पे सिले हुए हैं, कोई भी डिजाइन यहाँ पे बन जाता है मेरे को, मैं यहीं से ज़्यादा सिलवाती हूँ, और बहुत ही अच्छा चलते हैं ये भैया, तो चलते हैं अब बाहर। फाइनली आई एम इनटू द डेयरी, और भैया दूध का पैकेट दे रहे हैं। सपने विच तू
मनीषा जा करके, मनीषा ने अपना कपड़ा ले लिया, ये मेरा ड्रेस सिला, ये इनके ड्रेस का कलर आप लोग देख सकते हैं, कल ये पूरी ड्रेस में भी दिखेंगे। कल नहीं, हाँ कल, कल कल जाना है, कल रिपोर्ट भी मिल जाएगा, देखो आप कल का, कल जाने में। और सामने कितना सुंदर पग है गाइस, ओ वाओ। चलिए अब हम लोग मार्केट की तरफ चलेंगे। और मेरे को थोड़ा ये पटियाला यहाँ मतलब सिलवाई हूँ मैं ड्रेस, तो पता नहीं पटियाला पे मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि वो सब बहुत छोटा छोटा ऐसे करके चुन दिया गया है, तो यहाँ पे दिलाता है। सो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं जूस शॉप पे, मैं तो बनाना शेक लूंगा, बाकी ये देखिए क्या। मेरे को मैंगो शेक पीना था। मैंगो शेक नहीं है ना, मैंगो शेक तो नहीं होगा, मैंगो नहीं मिलता है इसलिए। बनाना और पपाया शेक, बाकी जूस होगा। ये देखिए कितना देर लगाती है, 24 घंटा यहीं लग जाएगा इसको सोचने में। कितना टाइम, जल्दी बताओ भैया। एक बनाना शेक कर दो, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस कर दो, ऑरेंज ठंडा होता है। एक एक ऑरेंज जूस और एक बनाना, तो फाइनली एक बनाना जूस और एक बनाना शेक और एक ऑरेंज जूस हमने बुक कर लिया। पपीता शेक इनको अच्छा नहीं लगता, बाकी लेट्स सी। दुनिया देंदी मिसाला तेरे मेरे प्यार दिया, क्यों ना देख मुझको दिल फिर से चुरा लिया, मेरे माहिया मेरे माहिया। कैसे देख रही है जूस को, जैसे देख के ही नजरों से पी लेगी, पाइप मांग रही है स्ट्रॉ के जगह। स्ट्रॉ होता है वो, पाइप बोलते हैं मेरे यहां, पाइप ही बोला जाता है। गाइस फाइनली ये देखिए कौन सा पिए, ये की ये मेरा वाला है बनाना शेक और ये इनका ऑरेंज जूस। इसको क्या बोलते हैं मनीषा, इसको स्ट्रॉ। अभी क्या बोल रही थी, पाइप, पाइप नल का फिटिंग करने के लिए पाइप। तो गाइस जूस वाज रियली टेस्टी एंड अब मनीषा जा रही है, देखिए रोड पार करने कैसे कर दिए, ये रोड पार करेगी और रोड पार करने के बाद सामने वाले दुकान में जाएगी, क्योंकि इसने जो इयररिंग्स लिए थे उससे कान पक गए थे, तो अब कुछ ऑल्टरनेट ढूंढेगी, साथ में कुछ और परचेस भी करना था। तो आई विल बी जस्ट वेटिंग इन टू द कार, सॉरी इन द कार, और इसके बाद देखते हैं कब तक वो आती है। देखिए गाइस मेरे को बोल के गई कि जा रही हूँ सामान लाने और ये पानी पूरी वाले के पास खड़ी हो गई, अब मुझे जा कर के क्लास लगाना पड़ेगा, रुको। क्या खिला रहे हो, 10 का ना, हाँ 10 से ज़्यादा मत खिलाना। देखिए गाइस जितना बड़ा तो मुंह है इनका, जितना बड़ा पानी पूरी, उस एक बहुत बड़ा वाला दे दो ना, एकदम बड़ा वाला एक दे दो। ये देखिए ये महा से पूरे 2 घंटे में सब्जी खरीद के आई है, कितना टाइम लग गया सब्जी खरीदने में, 50 रुपए, क्या 50 रुपए का, वाह क्या क्या खरीदी भाई, नींबू सब कुछ खरीदी 50 रुपए में। भिंडी कितने रुपए किलो था, 40 रुपए में, 40 रुपए में आधा किलो, मैं बोली 250 दे दो तो 20 रुपए में। क्यों, क्योंकि हम लोग ज्यादा खाते भी नहीं है, मतलब दो ही आदमी है फिर इतना काफी है एक टाइम के लिए। चलिए टी पे हैं, ये देखिए इनसे गेट खुलेगा नहीं, पहले बड़ा वाला गेट खोलती है, बड़ा वाला नीचे से खोलना पड़ता है, इसको पता ही नहीं होता है। तो गाइस उम्मीद है कि आप सभी को ये छोटा वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। कितनी प्यारी सी बोल रही है यार, मतलब एक्सप्रेशन देखो कितना क्यूट एक्सप्रेशन आता है। चलिए गाइस चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। टाइम टू से गुड बाय, जय हिंद, बाय।